अभी कुछ देर पहले हमने आपको मिलवाया नेता रणवीर सिंह जुदेव से, अब आपको हम मिलवाते हैं राजा रणवीर सिंह जुदेव से। सर, नेतागिरी तो खूब बातें होगी, अब थोड़ी सी आपके घर के परिवार के बारे में, आपका राज परिवार के बारे में बात कर लेते हैं। इतना अच्छा महल आपका मुझे लगा, थोड़ा लोगों को मैंने कहा वो भी दिखा देते हैं कि जी सर, ये फोटोज लगी हुई है, थोड़ा सा आप अपने परिवार राज परिवार के बारे में शुरुआत से बताते हैं हमको फोटोज। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको हमारे बेटे हैं, हमारे बड़े बेटे हैं यश प्रताप सिंह, और जो हम लोग की जो पारिवारिक व्यवस्था है, तो बड़े लड़के को युवराज कहते हैं, तो इन्हें युवराज यश प्रताप सिंह जुदेव कहते हैं। अभी अपना कॉलेज कर रहे हैं, दिल्ली में कॉलेज कर रहे हैं। और ये जो आप फोटो यहाँ पर देख रहे हैं, और ये शिकार की जो ट्रॉफीज़ आप देख रहे हैं, ये रियासतकालीन 60-70 साल पहले ये आप शेर के देख रहे हैं। इधर सांबर है जी, कब का है सर ये? इसमें लिखा है, देखिए 1932 लिखा, अगर आप पास से इसको जूम करिएगा तो 1932 लिखा है, और इसका साइज भी लिखा है 42 इंच। उसके सींग के लिखा है, इसका जो साइज होता है सांबर का, इसके सींग से नापा जाता था। एक तरफ का जो सींग है 42 इंच का है, और एक तरफ का सींग जो लिखा है 41 इंच का, नीचे देखेंगे तो आप। और 1932 का ये हमारे परदादा राजा देवशरण सिंह जी के समय का मारा हुआ है। बाएं साइड में आप देखेंगे ये भालू, दो भालू हैं। काला भालू तो हम लोग हमेशा देखते हैं, भूरे रंग का भालू बड़ा रेयर होता है जी। ये कब के हैं सर? ये भी सब आपके इंडिपेंडेंस के पहले का है जी। और आप ये जो फोटो देख रहे हैं भालू के साइड में जो है, ये राजा विष्णु प्रताप सिंह देव का है, हमारे परदादा के पिताजी। अच्छा। इनके समय माना जाता है कि इनके समय जशपुर रियासत जो था सबसे स्वर्ण काल जिसे कहते हैं, सुख शांति समृद्धि इनके समय था। बाएं तरफ आप देखेंगे जो फोटो है हमारे पिताजी है युवराज उपेंद्र सिंह जुदेव जी का है। इनका निधन बड़े अल्प आयु में, जब मैं 4 साल का था तब हो गया था। अच्छा। और फिर उनके बाएं में हमारा है, फिर हमारे साइड में हमारे दादाजी महाराजा जशपुर राजा विजयभूषण सिंह जुदेव जी का है जी। ये सांसद भी हुआ करते थे। अच्छा। और इनके समय में ही रियासत का विलीनीकरण हुआ था 1947 में, ये उस समय शासक थे और इन्होंने दस्तखत किया था जो ट्रीटी ऑफ एसेशन। शांति से हो गया दोस्तों, बहुत शांति से हो गया था, बल्कि इतने शांति से हुआ था कि इन्होंने जब रियासतें गई तो इन्होंने सब संपत्ति दे दी थी। अच्छा। यहाँ तक कि ये महल जहाँ पर हम लोग अभी रह रहे हैं ये भी उन्होंने दे दिया था। अच्छा। तो जो उनके जितने जो ऑफिस के स्टाफ थे उन्होंने कहा महाराज अगर सब दे दीजिएगा, जमीन जायदाद मकान महल, तो रहेगा कहाँ पर? तो जो जो आज संपत्ति हमारे पास है वो जो हमारे रियासत के जो लोग थे, जो कारिंदे लोग थे, जो शुभचिंतक लोग थे, उन्होंने लिस्ट बनाई भाई क्या क्या चीज़ अपने को रखनी चाहिए। और ये हमारी दादी हैं जया कुमारी देवी जी, राजमाता जया कुमारी देवी जी। ये महाराजा बीकानेर जो राजस्थान में हैं उनकी परिवार से हैं, उनकी बेटी हैं, उनका भी स्वर्गवास अभी 4 साल पहले हुआ जी। इधर हमारे जी की फोटो दिखा, चाचा हैं, हमारी चाची हैं स्वर्ग दिलीप सिंह जुदेव जी, और कोई डिनर पार्टी। हाँ, ये स्टेट टाइम का जो पहले रियासतकालीन जो डिनर पार्टी वगैरह होता था उस समय का है ये जी। और बाकी पारिवारिक है जी। अब अपन इधर आ जाएं, अब इधर आ जाइए विभव जी। ये विभव जी हमारे पुराने ओल्ड पैलेस का हमारा है, ये पुराने महल का नीचे है, ये हम लोगों का है उसके ऊपर, उसके ऊपर हमारे गुरु हैं ओखड़ बाबा। अच्छा अच्छा ये किसको खिला? बनारस में भी रहते हैं, अभी जशपुर में भी हैं ये जी। और ये हमारे बड़े सुपुत्र हैं जी। इनका अन्नप्रशन तो उस समय का है जी। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये हमारे परदादा राजा देवशरण सिंह जुदेव जी का है जी। और ये अंग्रेजों के बड़ा खिलाफ रहते थे हमेशा। अच्छा। और इसलिए अंग्रेजों ने इनको
कई सालों तक इनको देश निकाला दे दिया था। अच्छा। और उसमें अंग्रेजों की जो राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता हुआ करती थी, तो इनको अंग्रेजों ने कलकत्ता में नज़रबंद रखा था। और फिर जब काफ़ी साल वो वहाँ पर रहे तो एक शब्द हुआ करता था कोर्ट ऑफ वार्ड्स, तो जो रियासत थी वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स में आ गई थी, क्योंकि राजा को अंग्रेजों ने नज़रबंद कर दिया था और जो युवराज थे वो माइनर थे, तो सरकार जो अंग्रेज थी वो रियासत का संचालन करती थी, उसे कोर्ट ऑफ वार्ड्स कहा करते थे। और ये हमारे दादाजी की शादी की तस्वीरें हैं, जब बीकानेर महाराजा के यहाँ पर हमारे दादाजी की शादी हुई थी उस समय की यहाँ की थी तस्वीरें हैं। सर, आज़ादी की लड़ाई में आपके परिवार का कोई रोल रहा था क्या? बिल्कुल, एक धर्मांतरण उस समय से शुरू हो गया था, और चूंकि धर्मांतरण के विरोध में शुरू से राजा देवशरण सिंह जी के समय से धर्मांतरण का विरोध था, और वो भी एक कारण था इनको देश निकाला देने का। और इसलिए स्वाभाविक रूप से धर्मांतरण हम खिलाफ थे तो अंग्रेजों के खिलाफ भी थे, तो वो भी एक कारण था कि रियासतकालीन समय में भी हम लोग को परिवारों को बड़ी दिक्कत आई अंग्रेजों से। अच्छा। अब इधर आइए, आपको मैं दिखाता हूँ। मैं ये पियानो आप देख रहे हैं, ये बेटा उसको फोटो जरा किनारे करो, ये जो हम पियानो देख रहे हैं ये लगभग 200 साल पुराना पियानो है, और अभी भी ये बिल्कुल रनिंग कंडीशन में, और इसकी चाबी तक इसकी सुरक्षित है। अच्छा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जी, 200 साल पुराना पियानो। तो आप सर बजाते हैं इसको? बिल्कुल शौक तो है, पर उतना हाथ साफ नहीं है। अब आप यहाँ देखिए, ये 1818 का पियानो है, और ये वर्किंग कंडीशन में है। आप इसकी चाबी भी वहाँ देख सकते हैं, 200 साल पुरानी चाबी भी अभी इसके साथ है। चाबी क्या इस्तेमाल होता है? ये इसको लॉक करने के लिए रहता है। अच्छा। कि कोई इसे खोल के बजाए नहीं, ये इसका लॉकिंग सिस्टम है इसमें। और इसमें पियानो जो बना ही है जर्मनी का बना हुआ है। अच्छा। ये देखिए, ये लिप्ज़िक है, ये लिप्ज़िक का भी बड़ा इतिहास है। हिटलर लिप्ज़िक को बड़ा पसंद करते थे। अच्छा। और लिप्ज़िक जो शहर है, हिटलर का एक सपना था कि पूरी दुनिया को एक किया जाए। अच्छा। और पूरी दुनिया को एक बना के उसको जर्मनी घोषित किया जाए, और दुनिया का कैपिटल भी लिप्ज़िक को बनाया जाए। अच्छा। ये उसकी मानसिकता थी, तो लिप्ज़िक की जर्मनी में ये खासियत, और वहाँ का बना पियानो, और जर्मन पियानो जो होते हैं उसे विश्व का सबसे अच्छा पियानो माना जाता है। अच्छा, ये तो 1818 में मंगाया गया, ये 1818 का बना, और उसमें 1818 में मनाया गया, तो लगभग 200 साल होने जा रहा है। ऐसे हमारे पास जो बिलियर्ड्स टेबल एक है, उसका जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, वो उससे कुशन्स और बाकी ख़राब हो जाते हैं, तो वो भी लगभग 1920 का बना हुआ है, तो 2020 में 200 साल के हो जाएंगे। मैं आपको अपने अस्त्र शस्त्र भी दिखाता, बंदूकें भी दिखाता, पर अब चूंकि चुनाव का समय चल रहा है तो वो सब थाने में जमा है अभी, तो वो दिखा नहीं सकते हैं। पुराने कुछ वो सब पुराने सब हम लोग ने सरकार को जमा कर दिए थे, और अभी जो इस्तेमाल वाले जो वेपन्स हैं वो अभी थाने में चुनाव के चलते जमा है। ठीक है, थोड़ा बाहर चलते हैं, बाहर चलेंगे। मैं एक चीज़ आपको और दिखाऊँगा, जब हम लोग के पूर्वज रियासतकालीन में जब घोड़े में या ऊँटों में जब दूर दराज जाया करते थे, तो उस समय ये सब चीज़ें रहती थी जो ऊँटों में और घोड़ों में ले जाते थे, तो इसमें घी भी जा सकता था। अच्छा। इसमें पानी भी जा सकता था। अच्छा। इसकी ये उपयोगिता है, ये इसके घोड़ों में इसको बांध के। किस चीज़ का बना था ये? पूरे आपके तांबा कासा पीतल का बना हुआ है ये। अच्छा, अच्छा। और आप उधर देख सकते हैं, पहले चाय और आजकल तो जो चाय है वो इसमें आती है। अब इसको हमारे श्रीमती जी बनाए, वो हमारी श्रीमती जी आए, रानी साहब आप बेटा प्रणाम करो। क्या नाम है मैम का? अमृता सिंह जूदेव जी, आइए। अब इसको बताइए कि ये चाय का पहले दूसरा होता था, पहले पीतल में पीते थे या तांबे में, दिखा दो उठा के। पहले इसमें पीते थे पीतल का बर्तन में जी। और इसको अब कुछ तो यूज़ होता नहीं है, तो डेकोरेशन के लिए रखती है। एंटिक एंटिक काफ़ी सामान आपके पास होगा ही, ऑब्वियसली इतनी पुरानी विरासत है। बिल्कुल, डिस्प्ले के लिए भी होता है। हाँ। और
उसको लोगों को दिखाने के लिए रखते हैं जी। दो मिनट बैठ जाते हैं फिर क्लिप है, चलते बाहर हो जाए। आइए दो मिनट के लिए, फिर आप भाई साहब ठीक है मैं खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैम आप कहाँ से हैं वैसे? हम हैं बिहार से, बिहार। हाँ दारीगांव करके है एक जमींदारी है, वहाँ से हैं जी। तो आप सर के साथ कभी जाती हैं राजनीतिक फील्ड में कुछ प्रचार करने वैसे? नहीं मेरे को तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में जी। और बस हाउसवाइफ हैं। अच्छा सर हाउसवाइफ, मैम को भी उतारिए फील्ड में क्या है, आप साथ आप जाते हैं प्रचार करने उनको भी लेके जाइए, रानी है हमारी यहाँ। नॉन पॉलिटिकल एक व्यक्ति को रहना चाहिए, नहीं तो सभी राजनीति में रहेंगे घर कौन देखेगा? घर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आजकल तो महिलाएं हर चीज में आगे आगे जा रही हैं। अब बाहर चलते हैं क्या? चलते जी। अब ये पंखा कभी ले सकते हैं, देखिए पहले अच्छा। अब पहले बड़े पंखे जैसे पार्लियामेंट उल्टे पंखे होते हैं जी। तो इतना मैं तो समझता हूँ कि इतना छोटा पंखा शायद ही किसी ने बिजली वाला देखा होगा। ये भी एक बड़ी नायाब चीज है, पुरानी चीज है। अब ये भी बहुत जब बिजली आई होगी अच्छा तब की होगी, अभी भी वर्किंग कंडीशन चलता है, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में। पर अब इतने बड़े पंखे आ गए तो इसकी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मेंटेन कर रखा सर आपने सब कुछ। आइए बाहर महल दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। ये डाइनिंग रूम है, ये रेडियो सर काफी पुराना लग रहा है जी। ये चली गई, ये हमारा डाइनिंग रूम है जी। थोड़ा उसको प्लेट लगा उसको न लें अपन। और संजय और ये राजेश रेडियो दिखाई छोटा प्लेट छोटा रेडियो दिखाई है। ये आपको बहुत पुरानी आपको रेडियो देखने की मिलेगी। ये भी बहुत पुराना है मेरे ख्याल से, जब रेडियो आया होगा तब का होगा ये। अभी चलता है क्या सर ये? अब तो इसके मतलब पार्ट्स मिलते हैं ना कुछ हैं। और देखिए जो आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो एफएम की टेक्नोलॉजी है, वो पहले भी हुआ करती थी। ये आपका देखिए, ये है आपका चैनल बदलने का। आजकल अपन जो एफएम में जो गाड़ी में तुरंत बदलते हैं ना 98.3 या 98 चैनल सेट हो जाते, ये कट से करिए ये चैनल सेट हो जाता है। अच्छा ये वॉल्यूम का है जी। ये आपका ये जो जो अलग अलग स्टेशन कैच करना उसका है जी। जैसे हम लोग आजकल वो सेट करते हैं, ज़्यादा आवाज़ चाहिए कम आवाज़ चाहिए म्यूज़िक ज़्यादा चाहिए जी। तो टेक्नोलॉजी सेम है जी। सिस्टम और आकार बस बदलते जा रहा है। तो अब सर और क्या दिखाएंगे आप हमको महल में जी? इसका अपन ले सकते हैं कि किनारे जा। ये पूरा डाइनिंग टेबल, ये भी काफ़ी पुराना फर्नीचर, ये पुराना फर्नीचर है जी। पुराना फर्नीचर है ये जी। सर इसमें ताला लगा हुआ है, इसमें कुछ खास इसमें रखा है? कुछ कीमती कटलरी हो सकती है इसलिए ताला लगा है इसमें। आई आई सर ये महल कितनी जगह में बना हुआ है? ये इसके इसका जो आकार था ये 56 एकड़ का था। 56 एकड़, हाँ। फिर बाद में अब जो दीवार है वो 4 एकड़ में हम लोगों ने करके रखा है। अच्छा। बाकी परिवार बढ़ता है तो फिर जी। संपत्ति ये बढ़ती भी है। ये एंट्रेंस है, ये हमारे रियासत के अभी तक कितने अच्छा। राजा हुए, 26वीं में मेरा नाम लिखा आप देख सकते हैं, 26 में मेरा नाम हुआ, 27 में हमारे बड़े लड़के यश प्रताप सिंह का नाम चढ़ेगा जी। तो इसी कोई प्रक्रिया है सर ट्रांसफर ऑफ पावर? बिल्कुल, जो पुरानी पारंपरिक व्यवस्था रहती है उसके अनुरूप ये होता है। अच्छा। और ये देखिए, ये अगर ये आ सकता है तो ये प्रिंसली स्टेट का है और जो नक्शे जो रियासत के होते थे इसमें बहुत सारे लोगों के फ़ोटो भी नहीं है। जैसे आप हैदराबाद ले लीजिए, जोधपुर ले लीजिए, बीकानेर ले लीजिए, इसको आप जूम करिए, यहाँ पर जशपुर ये जूम करिए, हाँ जशपुर रहा, एकदम जूम करिए, फिर उसको बड़ा कर दीजिए, जशपुर को अपन पास कर लें जी। जशपुर बगल में सरगुजा, हाँ। ये हम लोग ईस्टर्न स्टेट्स एजेंसी में आते थे। अच्छा। यहाँ से जितने रियासतें होती थी उसको ईस्टर्न स्टेट एजेंसी बोलते थे। अच्छा। इधर के जितने स्टेट्स होते थे राजस्थान वगैरह, इसे वेस्टर्न स्टेट एजेंसी बोलते थे। अच्छा। ये प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को साथ परिवार आपका परिवार
प्रधानमंत्री जी, चूंकि हम लोग के छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री भी रह चुके, बड़ा प्यार हम लोग को करते हैं संगठन मंत्री। ये 2003 के पहले, जब भारतीय पार्टी यहाँ पर पावर में नहीं थी, अच्छा। उस समय थे वो। अच्छा, तब के चुनाव में कुछ याद है, कुछ कोई किस्सा रहा हो मोदी जी के साथ? वो क्षेत्र में दौरा करते रहते थे, मुलाकात होती रहती थी, और उसमें बड़ा मौका, एक आध वनवासी कल्याण आश्रम कार्यक्रम हुआ करता था डांग वगैरह में, गुजरात में, उसमें मुझे उनके साथ रहने का मौका भी मिला, पर किसी कारणवश हम लोग वहाँ जा नहीं पाए। अच्छा, तो ये भी एक खराब यादें हैं कि भाई भावी प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग 1998 में भी, मध्य प्रदेश जब बटा नहीं था, छत्तीसगढ़ उसी का हिस्सा हुआ करता था, 1998 के चुनाव में भी मोदी जी यहाँ के प्रभारी हुआ करते थे। जी जी जी, जी। उसमें बताते हैं बड़ा विरोध उनका था यहाँ पे, सुंदरलाल पटवा कह रहे थे कि हम तो चुनाव जीती रहे हैं, किसी बाहर के आदमी की क्या जरूरत है। किन के विषय में आपने बोला? नरेंद्र मोदी उस समय प्रभारी हुआ करते थे, सुंदरलाल पटवा, क्योंकि 1993 तक उस समय मैं एक स्कूल में था, तो मुझे उसकी अच्छा, उतनी जानकारी नहीं है। मैं तो 88 में पास किया, उसके बाद फिर हम लोग काम में लग गए। और ये गाड़ी सर कब की है? ये गाड़ी भी काफ़ी बहुत पुरानी तो नहीं है, पर अब उस हिसाब से आउट मर्सिडीज बेंज, और इसको हम लोग जशपुर में इस्तेमाल करते हैं। और अब तो यहाँ दिक्कत भी होती है भाई, अगर कुछ बनाना है तो 500 किलोमीटर दूर जाइए। ऐसा कहा जाता है कि अब जो नए ज़माने के राजा वगैरह हैं, वो अपनी पुरानी गाड़ियाँ या जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको निकालते नहीं हैं, क्योंकि नेता हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलेंगे तो ये जाएगा कि देखिए तो राजशाही कर रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी गाड़ी बिल्कुल नहीं निकालते हैं, पर एक गाड़ी मैंने बाहर रखा है, जीप और ट्रेलर आप देख रहे हैं, उस जीप और ट्रेलर में हमारे जो पूर्वज हैं वो लोग इसमें शिकार वगैरह जाया करते थे, तो ये विलीज जीप है और साथ में ट्रेलर है। काफ़ी पुरानी लग रही है। काफ़ी पुरानी है ये, बहुत पुरानी, वर्ल्ड वॉर से भी पहले की है। अच्छा, तो उसमें ये जो लोग आते हैं भाई, किसमें शिकार खेलते थे, तो दिखाते हैं साहब, ये शिकार हुआ था और इस जीपों में हुआ करता था। अच्छा, तो सर अंदर शिकार दिखाया आपने, क्या आप भी वो करते हैं? नहीं साहब, तो जब जो जो शिकार करेगा वो जेल जाएगा। अच्छा, वो तो मैं तो बड़ा जंगल का प्रेमी हूँ और वाइल्ड लाइफ प्रेमी हूँ मैं। एक चीज़ आपको और खास और दिखाएंगे आपको हम, ये जो पेड़ है ये चंदन के पेड़ हैं। अच्छा, चंदन है ये, और हमारे यहाँ पर आपको चंदन इतने अच्छे तरीके से होते हैं मौसम के चलते। ये भी चंदन है, ये जो आपके पीछे खड़ा है ये भी चंदन है। अच्छा, ये भी चंदन है, इसका बीज चिड़िया खाती है। हाँ, और जहाँ पर बीट करती है तो अपने आप वहाँ से वो पेड़ आ जाते हैं, तो नेचुरल प्रोसेस है इसका यहाँ पर। अच्छा, तो काफ़ी होंगे फिर। बहुत चंदन, बहुत चंदन, इसलिए कई बार चंदन के चोरी के भी डर रहते हैं बहुत। अच्छा, अच्छा। जो लॉन में भी हो रहे हैं, और जो लॉन में भी हो रहा, देखिए छोटे छोटे पेड़ चंदन के हो रहे हैं ये जो लगे हुए। हाँ, अब ये चंदन के हो रहे हैं एकदम छोटे आगे जो हैं। अच्छा, दिखाओ बेटा जाके, हम दिखा देते हैं। अब ये देखिए। अच्छा, अब ये जो चंदन ये है, ये सब चंदन है ये, तो चिड़िया जो इससे निकलती है। हाँ, जो बीज खाई और बीट जहाँ पर, ये सब देखिए चंदन के बीज है, अभी सब में पेड़ उग जाएंगे। अच्छा, इस सब इसको सब जगह अपने को लगाना चाहिए, जिसको घर में लगाना है यहाँ से, मैंने बहुत जगह दिया भी है। अच्छा, और आजकल तो फैशन फिर इन गाड़ियों का आ गया है जी। और ये अब इन गाड़ियों चलते हैं, अब हम लोग अब इन गाड़ियों चलते हैं। संजय, जैसे यहाँ की रोडें थी उस हिसाब से यही गाड़ियाँ काम भी आएंगे आपके। हाँ, अब जो गाड़ियाँ हैं अब हम लोग इस गाड़ी चलते हैं, और ये जो है थोड़ा स्कूटर हट जाए इसको हम, ये बेदी है जहाँ पर हम लोग रोज शाम को बैठ के आग तापते हैं, और सुबह भी शाम को भी जितने गांव के लोग हैं वो लोग जब यहाँ पर आ जाते हैं तो उनके साथ चाय भी चलते रहती है और बात भी चलते रहती है जी। और तो कुछ लोग कह रहे थे मुझसे कि यहाँ पे दिलीप सिंह जुदेव के टाइम से ही यहाँ पे आप लोगों ने इंडस्ट्री इसलिए नहीं आने दी कि यहाँ का मौसम साफ सुथरा रहे। कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ एक शर्ट 4 दिन तक लोग पहन सकते हैं। बिल्कुल, अभी आप खुद देख रहे हैं कि जो यहाँ पर जो वातावरण है, जो मौसम है जी, वो कितना अच्छा है जी। और ये देखिए यहाँ पर हम लोग अभी भी धुआं निकल रहा आपको दिख रहा होगा, पर हम लोग आओ बैठिए, हम लोग रात को इसको बंद कर देते हैं क्योंकि लकड़ी की बर्बादी भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आग तापते हैं, और बिल्कुल ये गलत विषय है कि हम लोग उद्योग के विरोध हैं। उद्योग का मतलब सिर्फ फैक्ट्री और माइनिंग नहीं होती है, उद्योग की परिभाषा बहुत बड़ी है। उद्योग का मतलब आपका वाइल्ड लाइफ भी उसमें आ जाता है, उद्योग का मतलब आपका फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी आ जाता है,
एग्रीकल्चर को उद्योग में नहीं लेते हैं, पर एग्रीकल्चर भी एक तरीके से उद्योग हो सकता है। हमारे यहाँ पर जंगल में आंवला, हर्रा, बहरा, डहरा, इमली और ऐसे चीज़ें हैं जिसकी आवश्यकता पूरे विश्व भर में रहती है। यहाँ के जो कुछ बीजें हैं वो अफ्रीका और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होता है, गुंजा वगैरह विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। और बेटा बेटा तो ये जो बातें कही जाती हैं कि हम लोग उद्योगों के विरोध हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर एक व्यक्ति को, किसी उद्योगपति को लाभ मिल रहा है कि भाई बाकी लोगों की ज़मीनें छीन के उस व्यक्ति को दे दी जाए और वही सिर्फ माइनिंग करे और वही एक्सपोर्ट करे, और जो ज़मीन के मालिक हैं उनको वो अपने फैक्ट्री में नौकर बना ले, उसका हमको विरोध है जी। यहाँ पे मैं रायगढ़ जब गया तो वहाँ पे एक बड़ा मुद्दा था कि माइनिंग जहाँ पे होती, जो क्योंकि वहाँ पे पूरा कोल का गढ़ है, बताते हैं कि 1.5-2 फीट अगर खोद दो तो कोयला निकल आएगा, तो वहाँ गांव वालों को बड़ा विरोध है, कह रहा है कि ज़मीन के नीचे हमारा कोयला है तो इसको हम ही बेचें, क्यों कि बड़ी बड़ी कंपनी को दिया जाए, क्यों नहीं एक सहकारी समिति बना दी जाए और हम इसको बेचें। मगर जो नियम कानून होता है ये कहता है कि ज़मीन के नीचे जो भी है वो सरकार का है। देखिए यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं शुरुआत में रायगढ़ में भी लोगों ने कहा कि साहब उद्योग आना चाहिए, उद्योग आना चाहिए, उद्योग आना चाहिए। अब आप रायगढ़ गए थे, रायगढ़ के लोग अब पर्यावरण को लेकर इतने प्रताड़ित हैं, बहुत पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है वहाँ कि, और ठीक है बिल्कुल फैक्ट्री लगनी चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, पर लाभ एक व्यक्ति को मिल रहा है और वहाँ पर अब लोग बड़े परेशान हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कहा, अरे एक प्रकृति का नियम है, आप जितने एल्टीट्यूड में जाइएगा, जितने हाइट में जाइएगा, वहाँ आपको प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। आप कश्मीर चले जाइए, आप हिमाचल चले जाइए, आप उत्तराखंड चले जाइए, सबसे अगर प्राकृतिक संसाधन कहीं पर हैं तो इन तीन प्रदेशों में हैं। इसका मतलब क्या हम कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड कोड़ दें क्या? आज अगर वहाँ की जो लाइफ लाइन या यहाँ की इकोनॉमी अगर स्टेबल है तो टूरिज़्म चलते स्टेबल है, तो हम इस टाइप के प्रदेशों को हम टूरिज़्म में डेवलप कर सकते हैं, वो भी एक उद्योग हो सकता है। तो हम उद्योग के पक्ष में हैं, जो इस टाइप के उद्योग हैं, टूरिज़्म हो, एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो, वाइल्ड लाइफ हो, माइनिंग के हम विरोध में हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ कि एक नेता और एक राजा, आप दोनों ही हैं, क्या फ़र्क देखते हैं? राजनीति में थोड़ा बुद्धि थोड़ी ज़्यादा तेज चलानी पड़ती है और जब एक हम पारिवारिक व्यवस्था के अनुरूप चलते हैं तो चाहे किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो, सबको साथ लेके चलते हैं। और आज मेरी सबसे बड़ी पूंजी ही ये है कि इस क्षेत्र में चाहे किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, किसी भी जाति समाज धर्म का व्यक्ति हो, सबको मैंने साथ लेके चलने का प्रयास किया है। और मेरा ये प्रयास रहता है कि सबका भला हो। तो ये थे रणविजय सिंह जुदेव। ऐसे ही और तमाम शख्सियतों से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा। मैं हूँ सौरभ और कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं विभव। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।